भाजपा अपने मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिंगरेवाल को तीसरी बार टिकट देकर मोदी लहर में हैट्रिक की तैयारी में है। आरजेडी की टिकट कटने के बाद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी महाराजगंज के भूमिहार वोटर की बदौलत ताल ठोक दी है। महागठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस के पास है। उम्मीदवार के चयन में कांग्रेस से आकाश सिंह चुनावी समर में है। महाराजगंज का इतिहास रहा है कि अतिथि देवो भव और भाजपा से ताल ठोक चुके हैं सिंगरेवाल। आज नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह के अध्यक्ष में भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें सांसद के साथ अभय सिंह सुप्रिया सहित भाजपा के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होकर आगामी चुनावी रणनीति तैयारी में विचार विमर्श किए हैं। महाराजगंज मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव राष्ट्र के नवनिर्माण की लड़ाई है। जहां महाराजगंज की जनता लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, मोदी लहर पूरे देश में चल रही है, जिसका असर है कि भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीतने लगे हैं। सांसद ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद की संख्या 405 जाएगी। जनता ने जो भाजपा पर अपना भरोसा रखा है, उस भरोसे पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए समर्पित। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के भी, विजय चौधरी जी, गिरिराज सिंह जी, मंगल पांडे जी, ऐसे नेताओं के आने की सहमति और स्वीकृति प्रदान मिल चुकी है। और इसीलिए हम सब उसको उस दृष्टि से हम अलग अलग अपनी तैयारियां हम सब करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए कि बिहार में फर्स्ट पेज चरण चुनाव में सबसे कम वोट पड़ा है, लगभग 40% की परसेंटेज हुई है, तो उसमें भाजपा अपने को कहाँ पाती है? नहीं, हमें देखिए, भाजपा तो हम अपने को पूरे देश में जितने अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है उसमें हम काफ़ी आगे हैं। और ये हमारा जो लक्ष्य है 400 पार का, उस दृष्टि से भी हम सब आगे हैं। यह तो आगे हम है ही हैं, आपने देखा भी, एक रिजल्ट भी आया तो हमारे ही पक्ष में आया, निर्विरोध भी हम जीत रहे हैं। यह मोदी जी के ही गारंटी की गारंटी है। हम मोदी जी का ही, यह हमें लगता है कि लोगों का यह विश्वास है कि हमें निर्विरोध भी जीत रहे हैं लोकसभा में। निर्विरोध भी जीत करके हमारा खाता खुल गया, आज ही रिजल्ट होगा 4 जून को, लेकिन हमारा बीजेपी का खाता खुल गया। तो ऐसे तो हमें बहुत आगे हैं उस लेवल पर, उस लेवल में हम कहीं कोई है नहीं यहाँ, क्योंकि अन्य जो पार्टियां हैं उनके कोई खेवनहार ही नहीं है, न जनता है, न उनके नेता है, न उनके गठबंधन है। वह बिना पतवार के नैया है, चल रही है नैया, किसी न किसी में हमें लगता है कि न किसी एक दूसरे पर किसी को विश्वास है। अब बिहार में जोड़ दीजिए तो आप देख लीजिए कब कैसा किसका गठबंधन, कभी यहाँ का सीट वहाँ, कभी वहाँ का सीट वहाँ, कभी गठबंधन के बिना सहमति का ही घोषणा कर देना, कभी उम्मीदवार कोई कहीं गया तो कहीं चला गया। तो यह मैं डिटेल्स पर तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की माने परिस्थिति यही है और पूरे वैसा ही मान करके पूरे देश की जो महागठबंधन उसकी परिस्थिति है। सर, अब ये लड़ाई सहायक कानून से लेकर मंगलसूत्र से लेकर संपत्ति तक आ गई है, इसको किस दृष्टि में देखते हैं आज के परिवेश? देखिए, हमें लगता है कि लड़ाई तो देश से और राष्ट्र के नवनिर्माण की यह लड़ाई है। और ऐसे जो हमें जो भी इस बात पर विशेष रूप से अगर ऐसी बात अगर हो रही है तो मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ, मैं उसके किसी भी लेवल पर मैं व्यक्तिगत पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन बातें आ जाती है या किसी लेवल पर बात आई हो कहीं से बात, प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि ये संपत्ति बांटो, कांग्रेस संपत्ति बांटना चाहती है, मंगलसूत्र लेना चाहती है। या तो कांग्रेस तो संपत्ति बांटने का तो बात आप कही रहे, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है तो सही कहा है। आज आज आप देखिए ना, कांग्रेस की अगर आप स्थिति ले लीजिए तो कांग्रेस की तो यही स्थिति है, उनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको कहीं किसी पर विश्वास नहीं हुआ, हिंदी भाषी जब राज्यसभा में चली गई, एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको कहीं हिंदी भाषी क्षेत्र में जगह नहीं मिला, तो केरल के दूर जगह चले गए, कहीं नहीं मिला, उनको कहीं किसी पर विश्वास भी नहीं है कि मैं यहां से लड़ूं और मैं जीत जाऊं, तो वो चले गए केरल के, चले गए, वहां भी वो मात खाएंगे क्योंकि तो वहां भी लोग तैयार हैं। कांग्रेस के जो कार्य जो है ना, इस देश को जिस तरीका से कांग्रेस ने हरास किया, जिस तरीका से अपने कार्यकाल में इस कांग्रेस इस देश को अलग अलग खंडों में बांटने की भी बात हुई और अलग अलग तरीके से इस देश में लूटने का जो काम कांग्रेस ने किया है,
घोटाले दर घोटाले जो कांग्रेस के काल में हुआ है वह आज भी इस देश की जनता कभी नहीं भूल सकती है। जितने घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं वह देश के प्रति घोर माने अन्याय हुआ, देश के लोगों के चेहरे का मुस्कान छीनने का काम किया है और यही प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि यही तो चार एक फिर हम उसमें से कुछ लूटने का काम किया है। हम आपको अगर बताएं कि इसमें से जो घोटाले, चारा घोटाला हो, खेल घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, टूजे स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कपड़ा घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, ऐसे हेलीकॉप्टर, ये कब हुए घोटाले? या कांग्रेस को तो जवाब देना पड़ेगा देश के लिए कि जो घोटाले आप घोटाले दर करते रहे और देश को लूटते आप लूटने का काम करते रहे, तो देश के लोग बहुत समझदार हैं और देश के लोगों को आज इस देश के सम्मान की और देश की विकास की गारंटी है। आज ऊंचाई तक भी ले जाने की हम लगातार प्रयास करें कि देश भी सर्वोच्च ऊंचाई पर जाए, तो हमारा प्रयास गांव गली गलियारे से लेकर के और देश की ऊंचाई तक जो है, ये हमें लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ जब मोदी है तो मोदी की गारंटी से ही जुड़ा हुआ है। सर एक आखिरी सवाल, राजनीति प्रवेश है, इस हालात में बाप दादा तक की राजनीति आ गया, जैसे रोड़ी आचार्य ने भी कल कहा है सम्राट चौधरी के बारे में, इस पर आपको क्या लगता है कि राजनीति कहां गई है? देखिए उस पर हमें लगता है कि मैं अब उस पर विशेष रूप से अभी के परिस्थिति में कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे चीज़ों पर से और मेरी बहुत सहमति भी नहीं रहती है, क्योंकि मेरा एक अलग से एक विचारधारा मैं चलता हूँ, पार्टी के विचारधारा, पार्टी के मूल और पार्टी के हमारे नेतृत्व है, उसके सिद्धांत हम जनता के बीच में, लेकिन मैंने कहा कि यह इसमें अगर कुछ बात हो जाती है तो उसमें मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, मेरे तरफ से कोई उसमें वाद विवाद नहीं है कि क्या है कौन है। इसमें अगर लोग जो पीछे और आगे की बात जो लोग कर रहे हैं, हमें लगता है कि जवाब अगर जो वैसे बोल दें, अगर आप यहाँ बोल दें छपरा के बारे में, तो शब्द तो बिगड़े हुए शब्द हैं, लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मोदी जी को भी गाड़ी देते हैं कई एक जगह, उस पर आपने देखा भी होगा, तो उनको उसी में आनंद आता है कि हम मोदी जी को गाड़ी दे गए तो हमको लोग बड़ा महान कहने लगेगा। मोदी जी को गाड़ी देकर कोई महान नहीं हो सकता है, मोदी जी को गाड़ी देने वाले लोगों को यह देश भी माफ़ नहीं करने वाली है, क्योंकि जो देश के हित में देश के एक एक लोगों को अपना परिवार मानता, देश को एक अपने परिवार के जैसा जो व्यक्ति मानता है, और देश का आज हम सबका सौभाग्य कि देश का वो प्रधान सेवक के रूप में देश का प्रधानमंत्री है, और उनके बारे में कोई अगर कहता है तो हमें लगता है कि वह तो देश ही उसका जवाब दे रहा है, देश ही आगे जवाब दे रहा है।